मुल्क है लेकिन कहानी पूरी मजहब पर आधारित है। ये धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं और बाद में कहते हैं कि हर मुसलमान ऐसा नहीं होता। वैसे तो मुल्क का ट्रेलर देखकर अंदाजा लगाया जा चुका था कि फिल्म की कहानी क्या होगी। ये कहानी एक ऐसे मुसलमान परिवार की है जो बरसों से बनारस में बसा हुआ है। उनके आसपास उनके पड़ोसी हिंदू भी हैं जो साथ मिलकर रहते हैं, जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, आपस में खूब भाईचारा भी है। मुराद अली मोहम्मद यानी ऋषि कपूर का परिवार एक खुशहाल परिवार है। उनका परिवार इतना सेक्युलर है कि उनकी बड़ी बहू तापसी पन्नू यानी आरती मोहम्मद एक हिंदू है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ऋषि कपूर का भतीजा यानी शाहिद, जिसका किरदार प्रतीक बब्बर निभा रहे हैं, वो जिहाद के नाम पर 16 लोगों को बम से उड़ा देते हैं, जिसके बाद पूरे देश में सनसनी फैल जाती है। बेटा अभी नहीं आ सकेंगे हम, लड़ाई पर निकले हैं अपने मजहब के लिए। खुदा शाहिद तो एनकाउंटर में मारा जाता है लेकिन शक की सुई सीधे उनके परिवार, खासकर उनके पिता बिलाल जिनका किरदार मनोज पावा निभा रहे हैं, उन पर गिरती है। कोर्ट में उन्हें आतंकवादी साबित करने की कई दलीलें लगती है। पूरे परिवार का जीना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान वापस जाओ के उनके घर के बाहर पोस्टर लग जाते हैं। अली मोहम्मद के परिवार पर चारों ओर से देशद्रोही होने का घिनौना आरोप लगाए जाते हैं। कहानी कोर्ट रूम के इर्द गिर्द घूमती है जिससे आप लगातार जुड़े रहेंगे। लेकिन क्या ये मुसलमान परिवार अपने सर पर चढ़े देशद्रोही का ताज उतार पाएगा, अपने माथे पर लगे आतंकवादी का ठप्पा मिटा पाएगा? इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इनका पूरा परिवार ही इस आतंकवादी साजिश का हिस्सा है। लेकिन डायरेक्टर अनुभव सिन्हा इस फिल्म के रियल हीरो साबित होते हैं। फिल्म की खास बात है उसकी डायरेक्शन। अनुभव सिन्हा कहानी इस तरह से पेश करते हैं कि 2 घंटे 20 मिनट तक आप अपनी नजरें पर्दे से हटा ही नहीं पाएंगे। डायरेक्टर अपने मुद्दे से भटके नहीं, उनका मैसेज साफ तौर पर आपके दिल से कनेक्ट करता है। बीच बीच में इतने जबरदस्त डायलॉग आते हैं कि आप ताली बजाना नहीं भूल पाएंगे। ये मेरा भी उतना ही घर है जितना कि आपका। डायरेक्शन, डायलॉग और स्क्रीन प्ले का कोई जवाब नहीं। खास तौर पर डायलॉग इतने जबरदस्त है कि वो आपके दिल में घर कर जाएंगे। और अगर आप मेरी दाढ़ी और ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी में फर्क नहीं कर पा रहे तो भी मुझे हक है मेरी सुन्नत निभाने का। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि फिल्म में जबरदस्ती के गाने नहीं भरे हुए। एक गाना शुरुआत में आता है जो जश्न का है और एक आखिर में आता है सूफी गाना जो आपको पसंद आएगा। अनुभव सिन्हा के परफेक्ट डायरेक्शन को चार चांद लगाते हैं उनके एक्टर। ऋषि कपूर आपको पूरी फिल्म में नजर नहीं आते, नजर आते हैं तो मुराद अली जो एक सच्चा मुसलमान है। ऋषि कपूर के डायलॉग्स और उनकी एक्टिंग ने पूरी फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं। मनोज पावा की एक्टिंग भी लाजवाब, एक शानदार पारी उन्होंने खेली है। तापसी पन्नू भी आपको बहुत इंप्रेस करेंगी, खास तौर पर तब जब वो कोर्ट रूम में एक वकील की तरह उतरती है। आशुतोष राणा की शानदार वापसी कही जा सकती है लेकिन उनका वकील का किरदार आपको एकदम चौंका देगा। कुमुद मिश्रा, नीना गुप्ता, अतुल तिवारी, रजत कपूर, प्राची शाह, अश्रु जैन जैसे मजबूत कलाकारों की वजह से ये फिल्म आपको एक अलग ही लेवल पे ले जाएगी। मुल्क फिल्म का एक ही मुख्य उद्देश्य है ये मैसेज आपको देना कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता। जो लोग मुसलमानों को बाहरी मानते हैं उनको ये फिल्म देखनी जरूर चाहिए क्योंकि हो सकता है मुसलमानों को लेकर आपकी राय बदल जाए। मसाला फिल्म में देखने वाले लोगों को हो सकता है फिल्म थोड़ी अच्छी कम लगे, लेकिन अगर बहुत टाइम से आप एक अच्छे कंटेंट वाली फिल्म का इंतजार कर रहे थे तो मुल्क आपकी सबसे अच्छी चॉइस होगी। मैं फिल्म को देती हूँ 4 स्टार्स और सबसे ज्यादा कुडोज देती हूँ अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन को। आपको ये फिल्म कैसे लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।